हेलो, बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको नगीन प्रकाशन की बुक से 5H एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 11 से 30 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, y इक्वल x की पावर log x। y इक्वल आपका x की पावर log x और प्लस log x की होल पावर x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दें। लेट y इक्वल y1 प्लस y2। लेट क्या, मैंने y इक्वल y1 प्लस y2, dy/dx वो साइड करते हैं तो ये dy1/dx हो जाएगा और ये dy2/dx। इसको आप इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट डाल दें। नाउ y1 इज इक्वल टू आपका x की पावर log x है। देखिए x की पावर log x है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y1 इज इक्वल टू log x की पावर log x। तो ये जो देख रहे हैं ये कहाँ आएगा, नीचे log m की पावर n की तरह बिलोंग करता है तो ये नीचे आएगा, नीचे आती हो जाएगा log x इंटू log x। log y1 इज इक्वल टू, सो वी नो डाउट log y1 इज इक्वल टू, 2 टाइम है तो इसे log x का होल स्क्वायर, इसे log x का यहां पर होल स्क्वायर रिटेन कर सकते हैं। बोथ साइड dy/dx करते हैं, dy/dx log y1, dy/dx log x का होल स्क्वायर। देखिए log y1 तो log x का 1/x, बट इसके साथ क्या हो जाएगा, dy1/dx आपका होगा। पावर जो होगी इसको x की पावर n की तरह बिलोंग करेंगे, पूरे को आप x लेंगे, इस पूरे को आप यहाँ पर क्या लेंगे x। पावर जो आपका होगा नीचे आएगा तो 2 log x, अगेन किसका होगा, अगेन इस लॉग एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। ये 1/ आपका y1 और dy1/dx आपका x। अब ये y1 जो होगा इनटू में आ जाएगा तो सो वी नो डाउट dy1/dx = y1 × 2 log x/x। अब ये y1 की जो वैल्यू है, y1 की वैल्यू पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे y1 क्या है। y1 जो आपका है ये देखिए, y1 आपने किसको रेट किया था, x की पावर log x, x की पावर log x 2 log x/x। देखिए x की पावर log x x की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 2 x की पावर log x - 1 और इनटू में आपका लॉग एक्स। तो ये आपका डिफरेंशिएशन जो आया किसका आया, जब आप जिसको आप वाई वन लेकर चले थे तो वाई वन से आपका ये dy/dx आपका dy1/dx आ गया। अब इसके बाद हम y2 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है कि dy1/dx है और ये आपका dy2/dx है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को उठा के हम पुटअप कर देंगे। तो अभी आपने y1 को सॉल्व किया तो उससे dy1/dx आपको फाइंड हो गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि हम y2 को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो जब y2 को सॉल्व करेंगे तो y2 आपको फाइंड हो जाएगा, तो कोई भी यहाँ पे डरने की बात नहीं है। और इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 10 में मैंने लॉग के बारे में बहुत टीच किया है और बताया है मैंने कि जो है कि लॉग के क्वेश्चन कैसे होते हैं। जब भी एक्स की पावर एक्स के रिलेशंस आपके आते हैं तो वहाँ पर आप जो है लॉग के फार्मूलों को यूज करते हैं, जैसे एक्स की पावर एक्स हो, एक्स की पावर साइन एक्स हो जाए, इस तरह के केसेस जब आपके आते हैं तो लॉग एक्स की
लॉग का यूज करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड फॉर्मूले का आप यूज करते हैं, उससे आपके क्वेश्चन जो होते हैं क्लियर होते हैं। थोड़ी ही देर में मैं आपको वाई टू आपको बता रहा हूँ कि वाई टू क्या होगा। वाई टू को भी इसी तरह से टेकिंग लॉग बोथ साइड से सॉल्व करेंगे और फिर इक्वेशन फर्स्ट में फार्मूले को वहाँ पर जाकर पुट अप कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 है तो मैं इसे रफ करता हूँ। अब इसके बाद में वाई टू को यहाँ से सॉल्व करता हूँ। वाई वन आपका क्लियर हो गया। देखिए वाई टू आपने क्या लिख किया है, वाई टू जो आपका है वाई टू इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो आपका ये लॉग वाई टू हो गया लॉग लॉग एक्स की होल पावर एक्स। तो लॉग आपका वाई टू हो गया लॉग वाई टू, ये पावर भी आपका नीचे आया तो एक्स इंटू लॉग आपका लॉग एक्स हो गया। बोथ साइड आप डी वाई डी एक्स करते हैं, डी वाई डी एक्स आपका लॉग वाई टू और फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड जो आपका है वो लॉग आपका लॉग एक्स है प्लस सेकेंड लॉग आपका लॉग एक्स है और फर्स्ट जो आपका है डी वाई डी एक्स आपका एक्स हो जाएगा। आर यू ओके? इसके बाद देखिए जब इस लाइन के बाद ये लॉग वाई टू है तो ये वन अपॉन वाई टू हो जाएगा, बट इसके बाद डी वाई टू अपॉन डी एक्स इसके साथ सिम्बलाइजेशन आपका रहेगा एक्स अपने प्लेस पर। लॉग के बाद इस पूरे को आप क्या लेंगे, लॉग ये पूरा आपका एक्स है लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स और अगेन डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का करेंगे तो एक्स होगा, इससे कैंसिल हो गया। मतलब क्या हुआ समझिए, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, इसको आप एक्स माइंड में लेट कर रहे थे तो लॉग एक्स का अगेन हुआ वन अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन ही होगा, एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स का वन हो गया तो ये आपका हो गया लॉग लॉग एक्स और एक्स का वन। तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स आपका हो गया डी वाई टू अपॉन डी एक्स, वाई टू आपका इंटू में आ गया, ये वैल्यू आपकी बचेगी वन अपॉन लॉग एक्स और प्लस लॉग लॉग एक्स, ये क्लोज। अब वाई टू की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट अप कर दें तो वाई टू आपका क्या है लॉग एक्स की होल पावर आपका एक्स है, वन अपॉन आपका लॉग एक्स है और ये लॉग लॉग एक्स। तो देखिए आपको ये डी वाई टू अपॉन डी एक्स हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने डी वाई वन अपॉन डी एक्स को फाइंड किया था, ये डी वाई टू अपॉन डी एक्स है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका डी वाई बाई डी एक्स है, जहाँ पर आप डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स है, दैट्स ऑल। यहाँ पे डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू को पुटअप कर दें और इसको उठा के दोनों वैल्यू को रखते ही क्वेश्चन आपका फिनिश। आर यू ओके? तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 भी आपका इसी तरह से है। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन जो आपका है, विशेष ध्यान दें, वाई इक्वल आपका गिवेन है ई की पावर साइन एक्स प्लस टेन एक्स की पावर एक्स, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वाई इक्वल है ई की पावर साइन एक्स प्लस टेन एक्स की होल पावर एक्स। आर यू ओके? तो एक बार फिर हमने इसको लेट किया, लेट वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई वन अपान आपका डी एक्स प्लस आपका डी वाई टू अपान क्या हो गया डी एक्स। आर यू ओके? अब देखिए वाई वन जिसको आपने लेट किया था उसको ध्यान दें, y1 जो आपका यहाँ पर है वो क्या e की पावर साइन एक्स,
ई की पावर साइन एक्स, तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स डी वाई डी एक्स ई की पावर आपका साइन एक्स। तो ई की पावर पूरे को आप एक्स लेकर चलें, ई की पावर एक्स पूरे को आप एक्स लेकर चलें, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर आपका एक्स हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो आपका साइन एक्स का होगा, तो ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो गया कॉस एक्स, तो ये डी वाई वन अपॉन डी एक्स हो गया, डी वाई वन अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक पहलू आपकी आ गई। अब y2 को यहाँ पे हम फेस करते हैं कि y2 आपका क्या है, y2 आपका है tan x की होल पावर x, एंड y2 इक्वल टू आपका है tan x की होल पावर x। तो tan x की होल पावर x से टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो log y2 इक्वल टू log tan x की होल पावर आपका x है। तो सो यू नो डाउट ये आपका log y2 हो गया x log tan x हो गया, बोथ साइड डी वाई डी एक्स करते हैं, तो डी वाई डी एक्स log y2 फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड आपका क्या है log tan x, सेकेंड आपका है log tan x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट जो है आपका वो क्या है एक्स है। तो सो वी नो डाउट लॉग वाई टू वन अपॉन वाई टू बट डी वाई टू अपॉन ये डी एक्स होगा, डी वाई टू अपॉन क्या होगा डी एक्स होगा प्लीज। अब देखिए यहाँ पे एक्स अपने प्लेस पर है, लॉग पूरा एक्स, तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, अगेन किसका होगा टेन एक्स, तो टेन एक्स का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, लॉग के बाद पूरा एक्स, तो लॉग एक्स का वन बाई एक्स, फिर टेन एक्स का अगेन सेक स्क्वायर एक्स, आर यू ओके। लॉग टेन एक्स एक्स का वन, तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन में आपका टेन एक्स है इंटू वाई टू हो गया प्लस log 10x। तो dy2 upon dx आपका क्या फाइंड हो गया, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू को ध्यान दीजिए, y2 की वैल्यू ये देखिए 10x की होल पावर है, 10x की होल पावर है, ये आपका एज इट इज जैसे ही आ जाएगा x sec square x upon 10x, और ये आपका हो गया log 10x। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से आप देखें तो क्या है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस आपका डी वाई टू अपॉन डी एक्स। अब देखिए इस वैल्यू को आप पुट अप करेंगे यहाँ पर डी वाई वन अपॉन डी एक्स और डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट अप करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रिजल्ट क्या फाइंड होगा, रिजल्ट क्या फाइंड होगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आपकी है वो देखिए ये है ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, ओके प्लस ये जो है आपका आया है टेन एक्स की होल पावर एक्स। ठीक है, इसको उठा के यही आप पुट अप कर देंगे एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपान टेन एक्स और ये हो गया लॉग टेन एक्स, आर यू ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर ये आपका था 11 के बाद 12, 11 के बाद 12। अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, वो भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं, स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखें कि यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। पहली बात, इसको आप y1 लेट कर लेंगे और इसे आप y2 लेट करेंगे,
फिर वाई वन को आप सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड वाले वाई टू को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में उठा के, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है लगातार बता रहा हूँ मैं कंटिन्यूअस, तो इसको आप उठा के यहाँ वैल्यू को रखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताता हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको जल्दी छोटा नहीं मिलेगा, सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े बड़े काफी लार्जर वे में जाएंगे, घबराइएगा नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, cos x की पावर y, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, cos x की होल पावर y, cos x की होल पावर y इक्वल टू है साइन y की पावर x, साइन y की पावर x, साइन y की पावर x, देखिए यहाँ पर x भी है और आपका y भी है, तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान आपको देना है कि x और y यहाँ पर दोनों आपके हैं, तो विशेष आपको ध्यान देना है, प्लीज टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log cos x की पावर y log sin y की पावर x, साइन वाई की पावर एक्स, वाई आपका नीचे आया तो वाई लॉग कॉस एक्स और एक्स इंटू लॉग साइन वाई, आ रही ओके। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन करिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड कौन है आपका लॉग कॉस एक्स प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, वाई का डीवाई बाई डी एक्स, आगे ध्यान दें एक्स इंटू लॉग साइन वाई है तो इसको फर्स्ट ले लें, इसे सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड कौन है भाई लॉग साइन वाई प्लस सेकेंड लॉग साइन वाई और इनटू आपका हो जाएगा डी वाई डी एक्स, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड यहाँ अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आपका होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वाई आपका अपने प्लेस पर है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का पहले हो गया वन बाई एक्स इंटू कॉस एक्स का अगेन करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स यहाँ पर फाइंड होगा, आर यू ओके। लॉग कॉस एक्स आपका एज इट इज है इनटू में इसके साथ डिवाइड बाय डी एक्स, आर यू ओके, डिवाइड बाय डी एक्स आपका है, तो इस चीज को आप देखिए और विशेष ध्यान दीजिए कि डिवाइड बाय आपका डी एक्स है, तो सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी डीवाई बाई डी एक्स आपका है। अब आगे यहाँ पर आप ध्यान दें डीवाई बाई डी एक्स है फर्स्ट, ये वन अपान आपका साइन वाई होगा, साइन वाई का अगेन करेंगे कॉस वाई, बट इसके साथ क्या होगा कि आपका डीवाई बाई डी एक्स होगा, डीवाई बाई क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स, तो लॉग साइन वाई आपका एज इट इज होगा और एक्स का हो गया वन, तो सो यू नो डाउट विशेष ध्यान दें, ये जो आप देख रहे हैं तो ये माइनस वाई टेन एक्स फाइंड हो जाएगा, कैसे वाई आपका अपने प्लेस पर है, ये वाई जो आप देख रहे हैं अपने प्लेस पर है, साइन अपॉन कॉस आपका टेन हो गया, नेगेटिव ऑफ साइन है तो वो आपका ये हो गया, आर यू ओके। तो लॉग आपका हो गया कॉस एक्स और डिवाइड बाई डी एक्स इसके साथ में रहेगा, आगे देखिए एक्स अपने प्लेस पर है कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन ये क्या हो गया कॉट वाई, क्या हो गया कॉट वाई, बट विद डिवाइड बाई डी एक्स और ये आपका हो गया लॉग साइन वाई, ये आपका एज इट इज है, आर यू ओके।
अब देखिए डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो दो टू टाइम आपका है तो इसे इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो लॉग कॉस एक्स और डीवाई बाई डी एक्स हो गया एक्स कॉट वाई, ये भी आपका डीवाई बाई डी एक्स हो गया। इसको आप उधर ट्रांसपोज कर दें तो वाई टेन एक्स प्लस लॉग साइन वाई आर यू ओके। अब देखिए हमारी रिक्वायर क्या है, हमारी रिक्वायर है डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स हमारी जो रिक्वायर आपकी है वो क्या है डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेते ही लॉग लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई ब्रैकेट क्लोज और इन क्लोज ब्रैकेट में इसको भी रख लें कि वाई टेन एक्स है आपका वाई टेन एक्स प्लस लॉग साइन वाई, इसको आप एज इट इज रखें। अब देखिए होता क्या है डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये डिनोमिनेटर के नीचे जाएगा, ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर के नीचे आ जाएगा। तो सो वी नो डाउट डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उठा के आप यहाँ नीचे ले जाएं तो वाई कॉट एक्स प्लस लॉग साइन आपका वाई हो गया और अपान में आपका हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई आर यू ओके। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा आर यू ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 से 12 करूंगा। जय हिंद जय भारत।